यह कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर की है। यह कहानी बुद्धा काका की है। उस समय बुद्धा काका की उम्र लगभग 27-28 साल रही होगी। बुद्धा काका की शादी होने जा रही थी। हमारे यहां शादी से पहले शरीर पर हल्दी लगाया जाता है। हल्दी के दूसरे दिन जब बुद्धा काका को शौच लगी तो वह अपने एक दोस्त के साथ खेतों की ओर चले गए। उस समय शौच आदि के लिए लोग गांव से बाहर ही जाते थे। उनके शरीर पर हल्दी लगी हुई थी, अतः वो अपने दोस्त को भी साथ ले गए थे। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक कटीली झाड़ियों वाला पेड़ था। कई लोगों ने सुना था कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं। कई बार तो लोगों ने उस पेड़ के आसपास कुछ डरावनी आवाजें भी सुनी थी, लेकिन अब तक कोई भयानक हादसा किसी के साथ नहीं हुआ था। अतः उस पेड़ के बारे में लोगों में इतना ज्यादा भय नहीं था। सब लोग हंसी मजाक में इस बात को उड़ा दिया करते थे। बुद्धा काका और उनका दोस्त फ्रेश होने के लिए उस पेड़ से लगभग 50 कदमों की दूरी पर बैठे हुए थे। जब वो लोग फ्रेश होकर जाने लगे तब उन्होंने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी। बुद्धा काका को डर लगने लगा क्योंकि उनके शरीर पर हल्दी लगी हुई थी और ऐसे समय पर भूत प्रेतों का ज्यादा खतरा रहता है। डर के मारे दोनों कुएं की ओर तेज तेज चलने लगे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे तो वह भूत बुद्धा काका के ऊपर हावी हो गया, जिससे बुद्धा काका अजीब तरह की हरकत करने लगे। उनके मित्र को इस चीज का आभास हो गया और वह डरने लगा।